कामौर में कोरोना वायरस से बचने के लिए हैदराबाद स्वास्थ्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा अलग अलग चार टीम गठित कर अभी तक 1300 मरीजों का नोडल स्क्रीनिंग द्वारा परीक्षण किया गया, जिसमें सभी नेगेटिव पाए गए हैं। नूराबाद के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रामपाल शर्मा ने बताया कि उनकी क्षेत्र की 100 पंचायतों में करीब 175 गाँव आते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं के आधार पर टीमों द्वारा मौके पर जाकर उनकी जाँच की जा रही है। गाँव में बाहर से आने वाले लोगों की जाँच कर उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन कर उन्हें हाथों में सील लगाकर छोड़ दिया जाता है, जिससे अन्य लोग उनसे दूर रहें। शनिवार की रात 11 बजे नूराबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 15 से अधिक लोग, जिन्हें बच्चे भी शामिल, सभी स्वास्थ्य केंद्र पर अपनी जांच कराने के लिए आए, जिनकी टीम द्वारा जांच कर उन्हें 14 दिन तक क्वारंटाइन किया गया। यह मरीज बिहार, पंजाब तथा सूरत से आए थे, जो नूराबाद क्षेत्र के गाँव में रहकर अपनी नौकरी कर आज नूराबाद लौटे थे। पीएमओ डॉक्टर राम कुमार शर्मा ने बताया, चार टीमों में दूर टीम हाईवे रोड तथा दो टीम गाँव में भ्रमण कर रही है। स्वास्थ्य केंद्र का नजारा आपको दिखाता हूँ। यहाँ नूराबाद स्वास्थ्य केंद्र में बीएमओ रामवरण शर्मा द्वारा चार टीमें तैयार की गई हैं और इनमें दो टीम नूराबाद से लगे 175 गांवों में जाती हैं और दो टीमें जो है हाईवे रोड पर स्क्रीनिंग कर रही हैं। आइए मैं खबर हरपल से शंकर शिवरी आपको रूबरू कराता हूँ डॉक्टर रामवरण शर्मा से। कोरोना वायरस को लेकर के स्वास्थ्य विभाग की टीम बहुत सर्वे कर रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके इलाके में कितने लोगों पर ऐसे इनकी जांच की गई है और कौन कौन से गांव आपके यहाँ आते हैं? कोरोना के लिए हमारे यहाँ चार टीम हमने लगाई है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जी। जो चारों टीमें थर्मल स्क्रीनिंग कर रही हैं जो लोग एपी सेंटर से या बाहर से आए हैं जी। और हमारी अभी तक चारों टीमों ने लगभग 1260 की स्क्रीनिंग की उन्होंने की है, उनके द्वारा की जा चुकी है जी जी। अच्छा, आपके कितने गांव आते हैं? हमारे यहाँ लगभग 100 पंचायतें हैं जिनके मजरे टोले मिला करके जी 175 गांव के करीब हमारे अंडर में हैं जी। जिनमें से जहाँ से भी हमें कॉल आ रहे हैं जी, चाहे वो हमारे राजस्व के अधिकारियों के द्वारा हों, चाहे वो हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है 104 108 जी, जहाँ से भी कॉल आ रहे हैं डायरेक्ट ग्राम वाले भी लगा रहे हैं, सरपंच साहब लगा रहे हैं, सेक्रेटरी जी लगा रहे हैं जी, जैसी हमारे पास सूचना आती है हम उस सूचना को लाइन लिस्टिंग करने के बाद हम टीम का रूट प्लान बना के और उनको टीम को क्षेत्र बांट के हम वहाँ पर भेज रहे हैं। तो आपके द्वारा जो सर्वे किया गया है, जो स्क्रीन किया गया है, क्या स्थिति माना जाए, अपने यहाँ की स्थिति क्या है? अभी हमारे क्षेत्र में ऐसा भी कोई जिसकी कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है या लक्षण अभी तक नहीं पाया गया है। और अभी कल आपने देखा कि मुरैना में जो पॉजिटिव निकला है उसने जो दावत दी है उससे संबंधित हमारे तीन चार गांवों में हमें पता चला है जी। उनमें हमारे विभाग की टीम जा चुकी है जी। और जो लोग वहां से उनके कॉन्टैक्ट में आए हैं प्राइमरी या सेकेंडरी जी, उन सबको हमने होम क्वारंटाइन करवा दिया है जी। और उनकी लाइन लिस्टिंग आज हम सभी विभागों के साथ पूरे शहर और विभाग के साथ हम शेयर। डॉक्टर साहब, आपके नूराबाद में एक वार्ड दिया गया शासन द्वारा, तो उस वार्ड में क्या क्या सुविधा है लोगों के लिए, कैसे लोगों को रोका जाता है या क्या रास्ता है? एक्चुअली हमारे यहाँ जो वार्ड है वो क्वारंटाइन वार्ड है जी। क्वारंटाइन फैसिलिटी ये जिला मुरैना से बनाई हुई है, तो वहाँ से जो क्वारंटाइन के लिए मरीज भेजा जाएगा जी, या तो जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है या सस्पेक्टेड है जिसका पेंसिल सैंपल गया है जाँच हेतु जी, वो मरीज़ यहाँ पे भर्ती किया जाएगा जी। जैसे ही पॉजिटिव आता है या सिम्टम ज़्यादा आता है उसको फिर हम दोबारा रेफर करके मुरैना भेज देते हैं। हमारे यहाँ 10 बेड क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं।